आपको यहाँ पे कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? तो वचन के रूप में क्या हो गया है, कुछ इशू होने के कारण ये मैं आपको ये हो गया था, तो मैं आपको अभी भी बता दे रही हूँ इसके आगे कि और चलना दिखा ध्यान दे लाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने रहते, यानी अलग अलग समूह के लोगों को अलग अलग अतीत यानी पुराने जो चीज़ों के मायने रखती है। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारकों के जीवन से बहुत ही अलग यानी भिन्न भिन्न है, भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। यानी सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करते हैं तथा फल फूल को संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी ये जो है शिकार मछलियां भी लोग वहां के लोग अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपना भोजन जो है मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, वहाँ पे पकड़ के मछली को का शिकार पकड़ते हैं और शिकार करके फल फूल को खाते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। यानी खाद्यान्न जो होता है उसकी आपूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। इसके विपरीत यानी अलग देशों शहरों में इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी इस तरह की जो अभी जो हम लोग कर रहे हैं शहर और गांव में, उस तरह का पहले भी अतीत में भी ये सारी जो भेद थी वो विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी विजयों का लेखा जोखा यानी समय का लेखा जोखा रखते, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकार, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यानी पहले के लोग क्या करते थे, अपने जो आम जो आदमी था वह अपने कार्य का लेखा जोखा, कब शिकार पे गए, मछुआरे संग्राह जो चीज़ें थी उसकी लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता में से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। यानी उन पुराने लोगों के द्वारा ही उनकी सहायता से हमें अपने उनके जीवन को जानने के मदद यानी सहायता मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब होता है, यानी तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस तिथि, तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष का यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी 2000 वर्ष जो था, इस तरह की जो वर्ष बताया जाता है और बताओगी तो इसकी गणना ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जा रही है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व भी सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा से पहले यानी ईसवी पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं हुए वर्तमान से पूर्व यानी अभी से इसके पहले की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास तथा तिथियां अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसवी पूर्व, यानी क्या करते हैं अंग्रेजी में क्या करते हैं BC और हिंदी में क्या करते हैं हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। अभी कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईसवी या लिखा पाती हो। यह एनोडामिन शब्दों से बना है, किससे बना है, तो एडोडामिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कब से है, तो ईसा मसीह के जन्म से के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है, प्रयोग कॉमन करा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब किसके लिए होता है, तो प्रयोग किसके लिए होता है इसका प्रयोग, तो प्रयोग में कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का
इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। यानी इसके इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हमें कैलेंडर देखकर और सारी चीज़ों के जानकारी मिलती है, यह सामान्य हो गया, सभी लोग अब करते हैं। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। यानी ये जो तिथियों का जो चला आया है सामान्य कैलेंडर का प्रयोग, वो 2000 वर्ष पूर्व यानी पहले से ही शुरू था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता, जिसका तात्पर्य बिफोर यानी प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। यानी बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी वर्तमान से पहले। अपृष्ठ 3 पर तिथियों तथा उनका पता लगाओ, जिन उनके लिए कुछ तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। अन्यत्र जैसा कि आपने पहले पढ़ा, अभी ले कठोर सतहों का उत्तीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पुराने पूर्व या कई वर्ष पुराने यानी पूर्व लिखे हुए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग है तथा समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। यानी बहुत से अभिलेख और लिपियों का भाषाओं का प्रयोग किया गया है। समय के साथ साथ अभिलेखों और प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत सारी बदलाव आ चुकी है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ पे क्या रहते थे? राजा रानी रहते थे। देखिए इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है। इसके आगे मिस्र की उत्तरी तट पर रामेश्टा नामक एक कस्बा है। किस नामक का एक कस्बा है? तो मिस्र के उत्तरी तट पर रसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। किसने प्रकारों में है? 3 भिन्न भिन्न भाषा है तथा लिपियाँ। वो किस प्रकार लिखा गया है? तो यूनानी तथा मिस्र लिपियों के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में है, दिखाए गए इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की है। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर से लिए शेर तथा ए अक्षर से लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्हें यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके हैं। यानी आप देख सकते हैं इस थी में कि एस अक्षर से क्या लिखा हुआ है और एल अक्षर से क्या है। एल अक्षर से शेर है यानी लायन। यहाँ पे देखिए एल है, एल अक्षर से क्या बना हुआ है तो लायन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए के लिए ए अक्षर के लिए चिड़िया यानी एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे ए अक्षर से क्या बना हुआ है? चिड़िया का चित्र बना हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये दोस्तों आपका ये फर्स्ट चैप्टर आज समाप्त होता है। अभी क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके आगे चैप्टर 2 में मैं आगे बताऊंगी आपको। धन्यवाद।